हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वह लार्वा पर बनने वाला टॉपिक है। तो लार्वा से कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं दोस्त, अगर इस हमारे इस लेक्चर को आपने देख लिया तो, ठीक है। क्योंकि आज हम अपने इस लेक्चर में इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, मतलब जहाँ तक हैं लार्वा बनते हैं, जिस एनिमल में भी बनते हैं, पूरा मैंने शामिल कर रखा है प्रोटोजोआ से लेकर के, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए अपने इस लेक्चर को, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो फाइलम जितने भी हैं, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइलम हैं। 10 फाइलम से सबसे पहले तो स्टार्ट होती है जाई भाई। देखिए, टॉपिक तो हमारा किस पर है आज बेस्ड है, वो है लार्वा पर, ठीक है। किस पर? लार्वा पर। तो सबसे पहला जो फाइलम है, हम आपको बता दें, जो सबसे पहला फाइलम है वो है हमारा प्रोटोजोआ। क्या है? प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ में आप चार जो है आपके जीनस हैं टीजीटी में, वो कौन कौन से हैं आप जानते हैं? पेपे। क्या है पेपे? पेपे का मतलब है यहाँ पर पैरामीशियम, पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम। दूसरा हो गया आपका यूग्लिना, यूग्लिना। तीसरा हो गया यहाँ पर प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। और ये हो गया एंट अमीबा, एंट अमीबा। ये चार हो गए किसमें? आपके प्रोटोजोआ में हो गए। अब इसके प्रोटोजोआ के बाद नंबर किसका आता है? अब नंबर आता है पोरीफेरा का, ठीक है। किसका नंबर आता है गाइस? यहाँ नंबर आता है पोरीफेरा का, ठीक है। पोरीफेरा, पोरबियरर, अर्थात ऐसे जीवधारी जिसके पूरे बॉडी में छिद्र छिद्र होता है, ठीक है। पोरीफेरा। आप पोरीफेरा में आपको पढ़ने हैं क्या क्या? यहाँ पर पढ़ने हैं ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया पढ़ना है। और एक आपको पढ़ना है यहाँ पर स्काइफा कह दीजिए या साइकॉन कह दीजिए, साइकॉन। अब यहाँ पर ल्यूकोसोलोनिया, आप देखिए यहाँ तो लार्वा नहीं बनता है, यहाँ लार्वा फॉर्मेशन नहीं होता है किसमें? प्रोटोजोआ में, ठीक है। दूसरा जो है ल्यूकोसोलोनिया और साइकॉन या अथवा स्काइफा, यहाँ से लार्वा के बनने की शुरुआत होती है। जो ल्यूकोसोलोनिया है इसका जो लार्वा है वो है पैरेनकाइमुला। क्या है? पैरेनकाइमुला लार्वा, पैरेनकाइमुला लार्वा। अब जो साइकॉन है इसका जो लार्वा है वो क्या है? एम्फीब्लास्टुला। कौन सा है? एम्फीब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला, ठीक है। एम्फीब्लास्टुला, क्या राइटिंग बहुत छोटी छोटी तो नहीं है? बताइएगा, थोड़ा सा बड़ी राइटिंग कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ से शुरुआत हो गई, यहाँ से, ठीक है, पोरीफेरा से। अब पोरीफेरा के बाद तीसरा जो नंबर आता है वह आता है सिलेंट्रेटा का। किसका आता है नंबर? अब यहाँ पर तीसरा सिलेंट्रेटा का, ठीक है, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा का नंबर आता है। अब सिलेंट्रेटा में मैं आपको बता दूं क्या क्या शामिल है सिलेंट्रेटा में। अब सिलेंट्रेटा में एक तो आपका है हाइड्रा, हाइड्रा पढ़ना है, और दूसरा पढ़ना है आपको ऑरेलिया, ऑरेलिया पढ़ना है, और चौथा अगला पढ़ना है तीसरा ओबेलिया। क्या पढ़ना है? ओबेलिया पढ़ना है। हाइड्रा में जानते हैं इसमें कोई फ्री लार्वल स्टेज नहीं होती है, नो फ्री लार्वल स्टेज, ठीक है, नो फ्री लार्वल, लार्वल स्टेज, ठीक है। इसमें कोई फ्री लार्वल स्टेज नहीं होती है, और अगर देखा जाए तो इसमें जो स्टेज होती है लाइक एज ए प्लेनुला, ठीक है, किसकी तरह? प्लेनुला की तरह होती है। अब यहाँ से पूछे जाते हैं ऑरेलिया में और ओबेलिया में, ओ ई और नट, ए ई मैंने कर दिया, और ऑरेलिया का क्या हो गया? एफायरा और ओ पी, ठीक है, ओ पी। ऑरेलिया का क्या हो गया? एफायरा, इसका लार्वा है एफायरा, और ओबेलिया का लार्वा है प्लेनुला। कौन सा लार्वा है? प्लेनुला। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा और जिक्र करूँ इनके बारे में, ठीक है, इसके बारे में और थोड़ा सा जिक्र करें, तो जो ऑरेलिया है और ओबेलिया है, ठीक है, ऑरेलिया तो कह दीजिए आजी, आजी का मतलब हो गया जेली फिश, इसे क्या कहते हैं? जेली फिश कहते हैं। और ओ क्या है? ये है सीफर, ठीक, क्या है? ये है सीफर, इसको सीफर कहते हैं ओबेलिया को, और इससे कहते हैं जेलीफिश, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इसके आगे देखिए, आगे प्रोटोजोआ हो गया, पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया। अब इसके बाद क्या आने वाला भाई? इसके बाद आने वाला है
टीनोफोरा, क्या आने वाला है टीनोफोरा। तो टीनोफोरा में आप जानते हैं चौथा जो है उसका लार्वा है सीडीपिड लार्वा, क्या है सीडीपिड लार्वा टीनोफोरा में, ठीक है। देखिए अब यहां चौथा जो है वो है टीनोफोरा, कौन सा टीनोफोरा, टीनोफोरा इसका केवल लार्वा देखिए, इसका लार्वा है सीडीपिड लार्वा, कौन सा लार्वा सीडीपिड लार्वा है टीनोफोरा का, ठीक है टीनोफोरा का, ठीक है। अच्छा सिलेंट्रेटा को ही निडेरिया भी कहते हैं मेरे भाई, किसको, इसी को निडेरिया भी कहते हैं। यहां पर भी एक बात और ध्यान दे दीजिएगा यहाँ, ठीक है क्या, निडेरिया, निडेरिया का करेक्टरिस्टिक फीचर है निडोब्लास्ट स्टिंगिंग सेल्स, ठीक है निडोब्लास्ट। अब यहां पर अब देखिए मैं बात कर रहा था किसकी बात कर रहा था भाई, टीनोफोरा हो गया। अब इसके बाद आने वाला है हेलमेंथीस आता है, किसका नंबर आता है हेलमेंथीस का, ठीक है पांचवा हेलमेन हेलमेंथीस। अब इस हेलमेंथीस में दो हैं, एक तो है प्लेटी हेलमेंथीस, क्या है एक तो है प्लेटी हेलमेंथीस, ठीक है वो है प्लेटी हेलमेंथीस, प्लेटी हेलमेंथीस, और दूसरा है एस्केलमेंथीस, 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 ठीक है प्लेटी हेलमेंथीस और एस्केलमेंथीस ये दो हैं यहां पर, ठीक है। अब इस प्लेटी हेलमेंथीस में क्या है और एस्केलमेंथीस में क्या है, प्लेटी हेलमेंथीस में है भाई फैसियोला हिपैटिका, पहला कौन सा इसमें, इसमें शामिल है फैसियोला हिपैटिका, इसमें शामिल है फैसियोला, फैसियोला हिपैटिका, और प्लेटी हेलमेंथीस में एक और है वो क्या है टीनिया, ठीक है क्या है इसमें शामिल है टीनिया, ठीक है यहां देखिए इसमें शामिल है टीनिया, ठीक है टीनिया सोलियम। अब फैसियोला को कहते हैं लीवर फ्लू के, एक क्वेश्चन यहां और बन जाता है, इसको क्या कहते हैं लीवर फ्लू कहते हैं, लीवर फ्लू, और इसको कहते हैं टेप वर्म, इसको क्या कहते हैं टेप वर्म कहते हैं, फीता कृमि है, ठीक है। अब इसका जो लार्वा है फैसियोला का लार्वा, फैसियोला के लार्वा को क्या कहते हैं, इसके लार्वा को आप कैसे ध्यान में रखेंगे भाई, इसको जरा ध्यान दीजिए, तो इसके लार्वा को कहते हैं मिस आरसी मल्होत्रा, ठीक है किसका लार्वा फैसियोला का, ठीक है फैसियोला को जो लार्वा है उसको कहते हैं मिस, फार्मूला है मिस आरसी मल्होत्रा, ठीक है मल्होत्रा। अब एम आई एस आर सी और ये, ठीक है एम आई का मतलब क्या हो गया मीरासीडियम, मीरासीडियम लार्वा, और यस फॉर स्पोरोसिस्ट लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, आर का मतलब रेडिया लार्वा, रेडिया लार्वा, सी का मतलब सरकेरिया लार्वा, सरकेरिया लार्वा, और मल्होत्रा मतलब मेटासरकेरिया लार्वा, मेटासरकेरिया लार्वा, ये हो गया ठीक है फैसियोला का। और टीनिया में देखिए जरा किसकी बात करने चल रहे हैं, टीनिया की बात करने चल रहे हैं, ये टीनिया है ये, इसका जो लार्वा है इसको देखिए, एक तो है आंकोस्फियर, आंकोस्फियर अथवा कह दीजिए इसको किसी को कहते हैं ब्लैडर वर्म, ठीक है ना आंकोस्फियर हेक्साकैंथ, क्या कहते हैं इसको भाई हेक्साकैंथ कहते हैं, ठीक है आंकोस्फियर अथवा हेक्साकैंथ, हेक्साकैंथ, ठीक है। और दूसरा है सिस्टी, सिस्टी सर्कस अथवा ब्लैडर वर्म, क्या सिस्टी सर्कस अथवा ब्लैडर वर्म, ठीक है ये है ब्लैडर वर्म, ब्लैडर वर्म, ठीक है ये हो गए लार्वा। देख लीजिए इसको आप नोट कर लीजिए, जरा ध्यान से इसको नोट कर लीजिए एक बार, प्लेटी हेलमेंथीस का हो गया फैसियोला, लीवर फ्लू सामान्य नाम मिस आरसी मल्होत्रा ट्रिक बताया मैंने, और टीनिया का टेप वर्म, अंकोस्फियर अथवा हेक्साकैंथ मैंने बात कर लिया। अब एस्केलमेंथीस का नंबर है, एस्केलमेंथीस का नंबर है, ठीक है अब यही एस्केलमेंथीस है, तो एस्केलमेंथीस की मैं बात कर लूँ थोड़ा सा एस्केलमेंथीस के बारे में। तो जो एस्केलमेंथीस है इसमें क्या क्या है, इसमें तो एक तो एस्केरिस है, क्या है एस्केरिस, और दूसरा है उचिरेरिया,
उचे रे रिया, उचे रे रिया है। एस्केरिस का लार्वा है रैबडिटी फॉर्म लार्वा, इसके लार्वा को कहते हैं क्या, रैबडिटी फॉर्म लार्वा, रैबडिटी फॉर्म लार्वा है इसका। और इसका लार्वा है, देखिए डब्लू है उलट दीजिए तो यम हो जाएगा, माइक्रोफाइलेरी, माइक्रोफाइलेरी लार्वा हो गया, ठीक है। एस्केलमेंथिज हो गया, ये हो गया, किसकी मैंने बात किया, ये बात किया एस्केलमेंथिज के बारे में बात किया, ठीक है, एस्केलमेंथिज हो गया। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसके बाद जो फाइलम है वो क्या है, वो है एनीलिडा। क्या है, इसके बाद का जो फाइलम है वो है एनीलिडा, एनीलिडा। अब एनीलिडा में आप जानते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, एक तो पढ़ना है हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया, दूसरा पढ़ना है आपको फेरेटिमा पोस्थुमा, वही केचुआ, ये जोंक, और तीसरा है नेरिस। क्या पढ़ना है, नेरिस पढ़ना है भाई, ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है आपको, नेरिस, नेरिस, ठीक है, नेरिस। अब हिरुडिनेरिया में इसमें कोई लार्वा नहीं होता है, नो लार्वल फॉर्म, नो लार्वा, और फेरिटिमा में भी कोई लार्वा नहीं होता है, जबकि नेरिस में जो होता है वो कौन सा लार्वा होता है, इसमें होता है ट्रोकोफोर लार्वा। क्या होता है, ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक है, कौन सा, इसमें ट्रोकोफोर लार्वा होता है। तो यहां ध्यान दीजिए, इसका हो गया एनीलिडा का, हो गया ट्रोकोफोर लार्वा हो गया, ठीक है। अब इसके आगे अगर मैं बात करूं, ये तो हो गए भाई, अब बात आती है मोलस्का की, ठीक है, किसकी बात आती है, मोलस्का की बात आती है। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा मोलस्का के बारे में, मोलस्का, मोलस्का, मोलस्का में आप जानते हैं कि दो यहां पर आपको जीनस पढ़ने हैं, एक तो पढ़ना है पाइला और दूसरा है यूनियो, पाइला और यूनियो। अब पाइला जानते हैं गैस्ट्रोपोडा का सदस्य है, किसका है, गैस्ट्रोपोडा का सदस्य है, और ये बाइवेल्विया का है, बाइवेल्विया का सदस्य है। और जो गैस्ट्रोपोडा है पाइला, उसके जो उसका इसका जो लार्वा होता है वो होता है वेलिजर लार्वा। क्या होता है, वेलिजर लार्वा, और इसके लार्वा को कहते हैं ग्लॉचिडियम लार्वा, ग्लॉचिडियम लार्वा, ठीक है, ग्लॉचिडियम इसका वेलिजर हो गया, ठीक है। तो यहां से मोलस्का से भी क्वेश्चन जो बन जाते हैं लार्वा से, ये हो गया मोलस्का का। अब मोलस्का के बाद नंबर आता है भाई आर्थ्रोपोडा का, किसका नंबर आता है, आर्थ्रोपोडा का नंबर आता है, ठीक है। अब आर्थ्रोपोडा में देख लिया जाए क्या क्या हमारे सिलेबस में है, किसकी बात करने चल रहे हैं भाई, अब बात करने चल रहे हैं आर्थ्रोपोडा का, आर्थ्रोपोडा का। अब आर्थ्रोपोडा में आपको पढ़ने हैं, देखिए चार हैं आपके जीनस में आर्थ्रोपोडा में, चार, आप जानते हैं आर्थ्रोपोडा में ज़्यादा टांग वाले आते हैं, ज़्यादा टांग वाले, तो ये इसकी क्या ट्रिक है, रात होती है तो सनसनाहट पी पी की आवाज़ आती है कीटों की, ठीक है, तो पी पी एम एम, ठीक है, पी पी एम एम। अब पी पी का मतलब हो गया, पहला पी का मतलब हो गया पैलियोमोन, ठीक है, अथवा कह दीजिए प्रॉन, क्या कह दीजिए इसमें, प्रॉन, और इसका हो गया पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना तिलचट्टा, और ये हो गया झींगा मछली, और इस ये हो गया भाई मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, ठीक है, डोमेस्टिका, अर्थात ये हो गई भाई कौन सी, घरेलू मक्खी, और ये हो गया मॉस्किटो, क्या हो गया, मॉस्किटो हो गया। तो अब यहाँ पर प्रॉन में नो लार्वा, पेरीप्लेनेटा में नो लार्वा, मस्का डोमेस्टिका का मैगॉट लार्वा, इसके लार्वा को क्या कहते हैं भाई, इसके लार्वा को कहते हैं मैगॉट लार्वा, मैगॉट लार्वा, एक इसका हो गया। मॉस्किटो के लार्वा को कहते हैं, इसको भी उलट दिया, रिगुलर लार्वा, क्या कहते हैं, रिगुलर लार्वा कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसके आर्थ्रोपोडा के हो गए। अब आर्थ्रोपोडा के बाद मैं आपको बता दूं, नंबर आता है इकाइनोडर्मेटा का, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं इकाइनोडर्मेटा में, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में आप जानते हैं शामिल है स्टार फिश, क्या है, स्टार फिश शामिल है, स्टार फिश के जो लार्वा है, ठीक है, एस्टेरियास,
इसका जो लार्वा है इसके लार्वा को क्या कहते हैं भाई, इसका जो लार्वा है इसका लार्वा कहलाता है यहां पर बाइपिनेरिया, बाइपिनेरिया, बाइपिनेरिया। थोड़ा सा स्पेलिंग यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है अभी, ठीक है, बाइपिनेरिया अथवा ब्रैकियोलेरिया, ब्रैकियोलेरिया, ठीक है, बाइपिनेरिया अथवा ब्रैकियोलेरिया, ये इसका लार्वा हो गया किसका, इकाइनोडर्मेटा का। अब इकाइनोडर्मेटा के बाद नंबर आता है भाई, इकाइनोडर्मेटा तक तो लोअर आ गए, अब इसके बाद प्रोटोकार्डियस का नंबर आता है, ठीक है, प्रोटोकार्डेटा का नंबर आता है। तो प्रोटोकार्डेटा में क्या क्या है उसको भी देख लेते हैं, प्रोटोकार्डेटा, प्रोटोकार्डेटा, प्रोटोकार्डेटा में देखिए कौन कौन आता है, इसमें आ जाता है सिफेलोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा और हेमिकार्डेटा, हेमिकार्डेटा और आ जाता है यूरोकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, ठीक है, यूरोकार्डेटा या इसी को कहते हैं ट्यूनिकेटा, क्या कहते हैं, ट्यूनिकेटा, ठीक है। सिफेलोकार्डेटा, हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, इसमें आते कौन कौन है भाई, इसमें चलिए बात करते हैं आखिर कौन कौन इसमें शामिल किए गए हैं। तो इसमें शामिल है एम्फियोक्सस, एम्फियोक्सस है, और हेमिकार्डेटा में बैलेनोग्लासस है, बैलेनोग्लासस है, बैलेनोग्लासस, और इस ट्यूनिकेटा में कौन शामिल है भाई, जरा बताइए, कमेंट करिए, देखते हैं थोड़ा सा इसमें कौन शामिल है भाई, ठीक है। और ऐसे जानते हैं कि इसमें जो है ये है अच्छा ये बताइए इसमें टंगवर्म किसे कहते हैं, टंगवर्म, ठीक है, इससे टंगवर्म किसे कहते हैं, टंगवर्म, ठीक है। इसमें आता है यूरोकार्डेटा में आता है हार्डमानिया, क्या आता है, हार्डमानिया आता है, हार्डमानिया। तो भाई ये बैलेनोग्लासस देख लीजिए इसमें क्या कहलाता है भाई, भाई टंगवर्म, मैंने पूछा टंगवर्म किसे कहते हैं, टंगवर्म हेमिकार्डेटा, बैलेनोग्लासस, ठीक है, टंगवर्म। अब इसके जो लार्वा हैं इनके लार्वा कौन कौन से हैं, देखिए इसका लार्वा बहुत फेमस है, इसका लार्वा बहुत फेमस है टॉर्नेरिया लार्वा, टॉर्नेरिया लार्वा, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, इसमें नो लार्वल फॉर्मेशन, और इसका जो है एसीडियन, ठीक है। अब इसमें आ जाता है एसीडियन टैडपोल, किसमें, यूरोकार्डेटा में एसीडियन टैडपोल आता है, ठीक है, कौन सा आता है, एसीडियन टैडपोल, एसीडियन टैड पोल, एसीडियन टैडपोल आता है इसमें। तो ये हो गए इसके लार्वा, ठीक है, इसके लार्वा प्रोटोकार्डेटा। अब थोड़ा सा कार्डेटा की मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, देखते हैं कार्डेटा के बारे में, ठीक है, कार्डेटा के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जरा कार्डेटा में शॉर्ट में वैसे आते हैं, आगे भी बताएंगे, लेकिन इसको अलग से क्वेश्चन पुटअप कराने के लिए मैंने शामिल किया है। जैसे इसमें आ जाता है भाई कौन, फ्रॉग आ जाता है, फ्रॉग, ठीक है, एक तो फ्रॉग हो गया और एक एम्बाइस्टोमा हो गया, एम्बाइस्टोमा और पेट्रोमाइजॉन लैम्प्री, ठीक है, पेट्रोमाइजॉन, इससे भी क्वेश्चन बहुत आए हैं, पेट्रोमाइजॉन, इसी को कहते हैं लैम्प्री, क्या कहते हैं, लैम्प्री, ठीक है, और एम्बाइस्टोमा, एम्बाइस्टोमा यह भी है, ठीक है। अब फ्रॉग में तो जानते हैं किसका लार्वा क्या है, फ्रॉग का लार्वा तो है टैडपोल, इसका लार्वा, इसके लार्वा को कहते हैं टैडपोल लार्वा, ठीक है, पेट्रोमाइजॉन का और इसका एम्बाइस्टोमा का, इन दोनों के लार्वा को जरा ध्यान दीजिए क्या कहते हैं, अमोनोसीट लार्वा और एक्जोलोटल लार्वा, ठीक है, ये है इसका लार्वा है अमोनोसीट, अमोनोसीट लार्वा, अमोनोसीट और एक्जोलोटल, इसका है एक्जोलोटल लार्वा, ठीक है, अमोनोसीट और एक्जोलोटल लार्वा, ये हो गए इनके, अमोनोसीट और एक्जोलोटल लार्वा हो गए इनके। अब कार्डेट ये आते हैं इसलिए मैंने बता दिया, अब कार्डेट तक तो कहानी इनकी हो गई, लेकिन अब थोड़ा सा क्लास है, कितने क्लास हैं भाई, पांच,
पांच सुपर क्लास हैं, तो थोड़ा सा उन क्लास के बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि आखिर उन क्लास की विशेषता क्या है। सबसे जबरदस्त, ठीक है, पांच सुपर क्लास हैं। अब पांच सुपर क्लास में कौन कौन है? परम, क्या है? परम, ये सुपर क्लास हैं परम, ठीक है। और आप लोग थोड़ा सा संख्या जब बढ़ाते रहेंगे तो मुझे भी मजा आएगा और मैं भी थोड़ा सा, आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहता है भाई, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है आप लोगों का। कल का कमेंट देखकर तो मज़ा ही आ गया था, समझ लीजिए मज़ा आ गया। लगभग हम आपको बता दें, बहुत सारे लोग हैं, 23 लोग हैं जिन्होंने ज़बरदस्त कमेंट किया था और अच्छे जो है आंसर के साथ, अच्छे आंसर के साथ जबरदस्त कमेंट रहा है। अभी मैं नाम उनका यहां ओपन करने वाला हूं। मैंने पूछा था आरजी मोन मैक्स क्या ना पर टिप्पणी करने के लिए कि उसका फैमिली, उसका बोटेनिकल नेम सब क्या है, बड़ा अच्छा जबरदस्त। ऐसे लोगों को मैं देखता हूं, जुझारू लोगों को, तो मेरा भी दिल एकदम खुश हो जाता है, मन करता है कि डेली बिल्कुल ये क्लास लगातार चलती रहनी चाहिए और इसी तरीके चलेगी। आज मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करने वाला हूं, मैंने आपसे कल बोला था, तो व्हाट्सएप नंबर मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है, और मजा आएगा बिल्कुल। जूलॉजी भी, बॉटनी भी, दोनों, और विद प्रैक्टिस सेट भी चलेगा, जैसे टॉपिक खत्म होगा वैसे प्रैक्टिस सेट चलेगा। मैंने आपको बताया था कल, जो मैं इकोनॉमिक बॉटनी में लेकर चल रहा हूं, 6 पॉइंट्स हैं, उनमें 4 तो फिनिश हो गए, बचे हैं 2, 2 बचे हैं और उनको भी मैं जल्दी फिनिश करने वाला हूं, ठीक है। तो फिलहाल पहले इनको देखते हैं, अभी नाम मैं आपको दिखाने वाला हूं। आप लोगों के उस कमेंट को देखकर मुझे बहुत ऊर्जा मिली, बहुत ऊर्जा मिली गाइस, ठीक है। और मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, हालांकि उस पर आप कॉल करेंगे, कॉल रिसीव नहीं हो सकती, कॉल मत करना आप लोग, ठीक है। अगर आप लोग हमारे फेसबुक से भी जुड़ना चाहते हैं और इंस्टाग्राम से भी जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहां से आप जा करके लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस परम में, पी का मतलब है पिसीज, पी का मतलब क्या है भाई? इस पी का मतलब है पिसीज, ठीक है, पीसीज, पीसीज मतलब मछली, जिसमें आती मछली जल से ही उत्पन्न हुई है, जीवन का जो उद्भव है जल से हुआ, जल से धीरे धीरे दलदल, दलदल से स्थल, तो ऐसे हम चल रहे हैं ये परम को लेकर के, पहले जल से होगा फिर स्थल की तरफ जाएंगे। यहाँ 2 ए हैं, सॉरी इसमें 2 ए हैं, भ्रम में मत आना भाई, ये मतलब दलदल वाला है, एम्फीबियन है, और आर का मतलब रेप्टाइल्स, क्या है? रेप्टाइल्स हैं, और ए का मतलब, अब यहां दूसरा ए आ गया, इसका मतलब है एवीज, एवीज, और एम का मतलब तो आप जान ही गए होंगे कि मैमल्स हैं, क्या हैं? मैमल्स। अब इनकी मैं बात करूं थोड़ा सा, इसमें हार्ट चैम्बर और इसके क्रैनियल नर्व की संख्या सबसे ज्यादा पूछता है कि इसमें कितने हार्ट चैम्बर हैं और इसमें क्रैनियल नर्व की संख्या कितनी है, ठीक है, मैं बात करता हूं यहां पर। अब देखिए हार्ट चैम्बर की अगर मैं बात करूं, पिसीज में इसका हार्ट चैम्बर 2 हार्ट चैम्बर होते हैं, हार्ट में कितने 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है, कितने 2 चैम्बर होते हैं इसमें हार्ट चैम्बर में, और इस एम्फीबियन में कितने होते हैं, एम्फीबियन में 3 होते हैं, 3 हार्ट चैम्बर, और रेप्टाइल्स में कितने होते हैं, इसमें भी 3 हार्ट चैम्बर, बट एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, ठीक है, एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, मैं बात करूंगा क्या है क्रोकोडाइल, ये अपवाद है, यहां से इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, किसको? क्रोकोडाइल को, ठीक है। अब इसमें जो एवीज हैं, इसमें कितने हार्ट चैम्बर होते हैं, 4, और मैमल्स में आप जानते ही हैं कितने होते हैं, 4, तो ये देख लीजिए 2, 3, 3, 4, 4, ठीक है, 2, 3, 3 और 4, 4, ये लिख दिया भाई मैंने हार्ट चैम्बर। अब क्रैनियल नर्व की संख्या में बात करने वाला हूँ, क्रैनियल नर्व की संख्या, तो क्रैनियल नर्व की जो संख्या है इसमें मैं आपको बता दूं कितनी कितनी होती है, इसमें क्रैनियल नर्व की संख्या होती है 10 क्रैनियल नर्व, ठीक है, 10 जोड़ी क्रैनियल नर्व, और यहाँ पर भी होती हैं कितने 10 जोड़ी क्रैनियल नर्व, ठीक है। अब इसमें कितने होते हैं 12 जोड़ी क्रैनियल नर्व, अब इसमें कितने होते हैं 12 जोड़ी क्रैनियल नर्व, पी 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 पी, अब इसमें भी होते हैं कितने 12 जोड़ी क्रैनियल नर्व, ठीक है, क्रैनियल नर्व, ये इनकी संख्या होती है। तो आप देख लीजिए बिल्कुल आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं, पी परम लिख दिया और सीधे बना दीजिए यहाँ 10 10 12 12 12 2 3 3 4 4, ठीक है, इतना आपको ये याद हो जाएगा जल्दी से, उम्मीद करते हैं कि आपको फटाफट के अंदाज में याद हो जाएगा, ठीक है, और ये संख्या जोड़ी में है, ठीक है, किसमें है, जोड़ी में।
अब मैं थोड़ा सा नाम लेना चाहूँगा भाई, नाम लेना चाहूँगा जिन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट किए हैं, और मैं आपको बता दूँ उनके नाम थोड़ा सा मैं पढ़ना चाहता हूँ। देखिए मैंने भी, क्योंकि अगर आप लोग हमारे दिल से जुड़े तो मेरा भी फर्म कर्तव्य है कि आप लोगों से दिल से जुड़े, ठीक है। जिनमें देखिए प्रदीप कुमार सिंह, आपकी शिकायत आती रहती है कि सर आप हमारा नाम नहीं लेते, लो भाई यार सबसे पहले मैंने नाम ले लिया, जबकि सबसे लास्ट में कमेंट आया था, आज मैंने पहले ही नाम ले लिया आपका, प्रदीप कुमार सिंह जी। फिर अक्षी जी हैं, फिर उसके बाद एकता दुबे जी हैं। एकता दुबे आप तो भाई इस समय थोड़े बहुत दिन बाद बैक हुई हैं, एकता दुबे जी। फिर अंकिता मौर्य, ये बिल्कुल लगातार रहती हैं, अंकिता मौर्य हो गई, ऋचा सक्सेना जी हो गई, मैं इसमें जो लोग बिल्कुल कंटिन्यू रहते हैं उनको भी मैं बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद लोकेश शर्मा जी हैं, सौरभ मौर्य हैं, सौरभ मौर्य और प्रवेश कुमार यादव पहली बार दिखे हैं भाई, और ज्योति मिश्रा हैं, और गौरी सक्सेना, ऋचा सक्सेना जी। आपने मोटिवेशनल थॉट जो दिया था, आपका मोटिवेशनल थॉट था कि एक अच्छी शिक्षा किसी को भी बदल सकती है, एक अच्छी शिक्षा किसी को भी बदल सकती है, लेकिन एक अच्छा शिक्षक सब कुछ बदल सकता है। बहुत गजब का आपका जो है कमेंट रहा है। और नीलू नाइस भी हैं, राकेश साइंस एकेडमी, आपका भी बड़ा लंबा चौड़ा कमेंट था भाई, बड़ी मेहनत आपने किया, और मेहनत ही लोगों के साथ तो मैं मेरा लगाव होता है, ठीक है। संध्या पटेल जी हैं, मौर्य जी टारगेट, आपका भी जबरदस्त कमेंट हमेशा से मैंने मुझे देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अगला नाम है वीरेंद्र शर्मा जी, और क्रिएटिव ड्राइंग वाला, क्रिएटिंग ड्राइंग वाला मंजू विश्वकर्मा, और हिना सिद्दीकी, हिना सिद्दीकी आप भी बिल्कुल रेगुलर हो चुकी हैं, खुशी कुमारी और आरती राजपूत, आप भी बिल्कुल लगातार जुटी रहती भाई आरती राजपूत जी। आथर अंसारी आप भी बिल्कुल आ चुके हैं, स्वाति हैं, और डैजी, डैजी नया नाम लेकिन दमदार नाम, और सपना ठाकुर जी भी हैं। तो बहुत ज़बरदस्त आप लोगों के कमेंट रहे हैं, हालांकि आप सभी लोगों के लिए मैं एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रहा हूं, कहीं भी कोई किसी टॉपिक में समस्या होती है आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर है यहां पर, देखिए मैं बता दे रहा हूं, 9219085222, ठीक है। ये रहा व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, केवल व्हाट्सएप करके आप अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं, 9219085222, ठीक है। तो इससे फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। मैंने कहा अगर व्हाट्सएप से भी जुड़ना है, फेसबुक से जुड़ना है, या इंस्टाग्राम से जुड़ना है, तो मैंने लिंक दे रखा है, टेलीग्राम से जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से, ठीक है। तो यह लेक्चर आज का कैसा लगा आप लोग एक बार फिर से कमेंट करके मोटिवेशनल थॉट आज दीजिए। आज मैं आपसे कोई सवाल नहीं कर रहा हूँ, मोटिवेशनल थॉट के साथ आप पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नए लेक्चर साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।